देखिए, जो स्वास्थ्य सेवाएं की बात करते हैं उनको हम दो भाग में बांटते हैं, एक स्वास्थ्य और दूसरा इलाज। स्वस्थ रखने के लिए वैक्सीनेशन और शुद्ध पेयजल और सामान्य व्यवस्था और इलाज, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। महाराज जी जब आए सत्ता में तो जो सबसे बड़ी चुनौती स्वास्थ्य संबंधित थी और जो सबसे बड़ा हंगामा हुआ वह जो है इंसेफ्लाइटिस को लेकर के था, और वह सिर्फ गोरखपुर में नहीं था, गोरखपुर के आसपास जो भी नेपाल से लगा हुआ जो भी तराई क्षेत्र है सारे में इंसेफ्लाइटिस का प्रकोप था। बहुत बड़ी महामारी थी और यह एक बहुत बड़ी समस्या थी, लेकिन योगी जी के मुख्यमंत्री बनने के बाद दूसरे साल से कभी भी यह समाचार पत्र की सुर्खियां नहीं बन पाया। यह एक बहुत बड़ा अचीवमेंट हम योगी सरकार को देते हैं। उसके बाद आया कोरोना काल। कोरोना काल में जिस तरह से निपटा गया कोरोना से, इसमें हम पहले फेज में आते हैं कि जितने सारे मजदूर बहुत सारे लावारिसों की तरह मुंबई से, गुजरात से, दिल्ली से भागते हुए आए, तो सड़कों पर जो भी उनको सुविधा दी गई, आज आप अखबार में पढ़े होंगे कि सबसे ज्यादा दाम सड़क पर खाने के नाम पर या उनके लिए गोरखपुर में ही दिया गया। इसके पीछे एक बात यह भी थी कि नेतृत्व तो हमारे गोरखपुर के शहर का है, तो लोगों में एक उत्साह भी था कि नहीं साहब, योगी जी हमारे मुख्यमंत्री हैं तो हमको बढ़ चढ़ के काम करना चाहिए। आज आपने अखबार में पढ़ा होगा कि सबसे ज्यादा योगदान गोरखपुर के लोगों ने दिया, हमारे IMA की तरफ से भी बहुत सारी चीजें की गई। तो एक लीडर का काम होता है ये चीजों को लोगों में उत्साह भरना, बुरे समय में कठिन परिस्थितियों में इस सरकार ने उत्साह भरा और कई तरह से लोगों को प्रोत्साहित किया। IMA से रेगुलर मीटिंग होती रही और माननीय स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप सिंह का दो बार मेरे पास भी फोन आया कि आपको कोई समस्या है कि नहीं है। ऐसा पहली बार हुआ कि IMA से डायरेक्ट मंत्री ने संवाद किया। यह सब चीजें हम लोगों का मनोबल बढ़ाती रही, जिससे हम लोगों ने कोरोना से लड़ने के लिए और जो भी जैसा भी हम लोगों से डिमांड की गई, जैसा भी मांग किया गया प्रशासन के द्वारा या सरकार के द्वारा, हम लोग अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि हम लोग खड़े उतरे। एक ये आपातकाल की बात थी। रूटीन की बात करें तो हमारे यहाँ अस्पतालों में डॉक्टरों का, चिकित्सकों का अभाव है, चिकित्सकीय सुविधाओं का अभाव था, चिकित्सकीय उपकरणों का अभाव था, इन सबको भी दूर करने का प्रयास किया गया। मेडिकल कॉलेज काफी संख्या में खोले गए। ये बात है कि हम लोग ये चाहते हैं कि उसमें जो फैकल्टी हो वो भी बेहतर आवे, क्योंकि अभी हम लोग गोरखपुर के मेडिकल कॉलेज से भी पूरी तरह से संतुष्ट नहीं है। वहां भी बहुत सारे लोग जो हैं वह परमानेंट स्थिति में नहीं है या कमीशन से नहीं आए हैं, लेकिन जिस हिसाब से सरकार काम कर रही है हमें उम्मीद है कि जल्दी से जल्दी ये सारे मेडिकल कॉलेज अपने रूप में काम करने लगेंगे और स्पेशलिस्ट सेवाएं डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे आपको मिलेगी। यह भी एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है उत्तर प्रदेश की सरकार का कि MBBS की सीटें बढ़ी, PG की सीटें बढ़ी और चिकित्सकों का जो है जो अभाव था वह मुझे लगता है कि साल दो साल तीन साल में यह अभाव खत्म हो जाएगा और आपको बिल्कुल नीचे के स्तर पे, ग्राउंड लेवल पे भी आपको स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर मिलेगी।